आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया में कौन सी हैं इस टाइम। दोस्तों यदि आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी है, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कुछ भी आपने कर रखा है और आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आपको ये टॉप 10 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बताते हैं कि कौन कौन से वो टॉप 10 प्राइवेट कंपनियाँ हैं। हम स्क्रीन शॉट आपके साथ शेयर करेंगे जो कि टॉप 10 में 10वें नंबर में कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इंडिया में इस टाइम, उसके बाद 9th नंबर, 8th नंबर और इस तरह से सीरीज फर्स्ट नंबर तक चलती जाएगी। आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप जब जॉब के लिए या ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें तो इनके करियर ऑप्शन में जाकर आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कौन सी टॉप 10 इस टाइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। तो दोस्तों यहां पर स्क्रीनशॉट देखिए, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं 10वें नंबर में कौन सी है। तो 10वें नंबर में जो आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो है आईटीसी लिमिटेड, उपभोक्ता सामग्री ये कंपनी है, ठीक है। 9th नंबर में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और नंबर 8 में है LIC इंडिया इंश्योरेंस बीमा। दोस्त इनके करियर ऑप्शन में जाकर आप चेकआउट करेंगे, यहां पर यदि ट्रेनिंग निकालता है ट्रेनिंग पता चल जाएगा, वैकेंसी आती है जॉब्स रिगार्डिंग तो आपको यहां पर एक्सपीरियंस बेस के लिए तो वो भी पता चल जाएगा, करियर ऑप्शन में जाना होता है। नंबर 7 में आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI एंड नंबर 6 में आता है इंफोसिस सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। एंड नेक्स्ट में आता है 5 नंबर में ICICI बैंक और नेक्स्ट नंबर में है भारतीय एयरटेल दूरसंचार एंड 3rd नंबर में आता है HDFC बैंक। 2nd नंबर में आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सूचना प्रौद्योगिकी TCS जिसे बोलते हैं। एंड 1st नंबर में आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल अन्वेषण और उत्पादन, मतलब रिलायंस के आपको पता ही है इस टाइम इंडिया में टॉप में चल रहा है, ठीक है, तो वो पहले नंबर में ही है इंडिया में। तो दोस्त आपको ये टॉप 10 कंपनियों के बारे में पता चला। यदि आप कुछ भी क्वालिफाइड हो, अगर आप जॉब करना चाहते हो प्राइवेट में, तो दोस्त इन कंपनियों में एक बार जरूर ट्राई करें कि करियर ऑप्शन में जाकर खोलें और जाकर देखें कि एक्चुअल में एक वैकेंसी आए है या नहीं एक्सपीरियंस के लिए या ट्रेनिंग के लिए, तो आप जाकर देखें, वहाँ पर जाकर अप्लाई करें। यदि आपको करना ही है तो प्राइवेट में आना चाहते हैं तो अब MNC कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे। टॉप 10 MNC कंपनी के बारे में भी यदि आपको जानना है तो बाकी नेक्स्ट आपको वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। धन्यवाद।